बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज जो हमारे क्लाइंट की फर्स्ट वीडियो स्टार्ट होने जा रही है, और हम स्टार्ट करें गूगल क्लाइंट्स के। देखिए, हमने गेस्ट पोस्टिंग कहाँ पर करनी है? गूगल के ऊपर। किसको रैंक करवाना है? वेबसाइट को रैंक करवाना है, लिंक बिल्डिंग करवानी है, तो क्यों ना। देखिए, बहुत सारे लोग पहले फेसबुक सिखाते हैं, फेसबुक से क्लाइंट मिल जाता है, ठीक है, लेकिन स्कैम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन फेसबुक पे छोटे छोटे क्लाइंट्स मिलते हैं और आपके साथ स्कैम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। गूगल एक ऐसा मेथड है, एक तो सिक्योर मेथड है, दूसरा जो क्लाइंट होता है ना, उसका जो मार्जिन है ना वो बड़ा ज़्यादा होता है, उसका जो बजट है वो ज़्यादा होता है। तो क्यों ना हम पहले गूगल से स्टार्ट कर दें। अब गूगल पे भी हमारे पास 5 से 7 मेथड है, ठीक है। जो पहला मेथड है वो कन्फर्म क्लाइंट्स होते हैं। कैसे? जैसे कि क्लाइंट फ्रॉम आर्टिकल्स, आपने जैसे थंबनेल लिखा आर्टिकल क्लाइंट्स, वो कैसे? हमने गेस्ट पोस्टिंग जो लिस्ट है वो तैयार की है, की है ना, आप लोगों ने भी की होगी गेस्ट पोस्टिंग के लिए। अब जो लिस्ट हमने तैयार कर ली है, उस लिस्ट में हमने वेबसाइट्स ऐड की थी, उन वेबसाइट्स में आर्टिकल लगे हुए, ठीक है, जिनके ऊपर हम जाके लिंक पे क्लिक करते थे और वो एक नई वेबसाइट ओपन हो जाती थी, उनको हम डू फॉलो लिंक बोलते थे। अब जो नई वेबसाइट ओपन होती थी, मैं बोलता था इस वेबसाइट ने अपना लिंक इस वेबसाइट पर लगाया है, जाहिर सी बात जब हम लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक नई वेबसाइट पर चले जाएंगे। जिस वेबसाइट ने अपना लिंक लगाया हम उसकी वेबसाइट पर लैंड कर जाएंगे ना, जिस वेबसाइट पर हम लैंड करेंगे वो हमारे क्लाइंट्स होंगे। वो कैसे? क्योंकि उन्होंने अपना जो लिंक वो इधर लगवाया हुआ है, अब भी तो लगाया है। आपने क्या करना है, अपने लिस्ट को ओपन करना, जो आपकी लिस्ट में वेबसाइट्स हैं उनको आप ओपन करोगे, वहां पर डेली के कोई ना कोई आर्टिकल पोस्ट हो रहे होंगे। किसी वेबसाइट पर एक पोस्ट होगा, किसी पे 5, किसी पे 10, डेली के आर्टिकल पोस्ट होते हैं, ठीक है। अब जहां पर आर्टिकल पोस्ट होते हैं आपने उन आर्टिकल्स को ओपन करना है, उनके लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप आर्टिकल में लगे लिंक पर क्लिक करेंगे, एक नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इसको डू फॉलो द लिंक कहते कहते हैं, एक नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वो क्लाइंट्स हैं। वो कैसे? क्योंकि उन्होंने अपना आर्टिकल इधर पोस्ट करवाया, उन्होंने अपना लिंक इस वेबसाइट पर लगवाया है। कब लगवाया? अभी लगवाया है। मैंने बोला ना, जो आजकल आर्टिकल पोस्ट हो रहे होंगे ना, डेली के आर्टिकल पोस्ट होते हैं, आप देख लेना हर वेबसाइट पर डेली के आर्टिकल पोस्ट होते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करके भी आपको दिखाऊंगा। अब करना क्या, आपने ऐसी वेबसाइट्स की लिस्ट बनानी है, जो नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी ना उसकी हमने लिस्ट बनानी है, वो हमारे क्लाइंट्स है, वो कन्फर्म क्लाइंट। देखे ना, जिसने एक बार अपना लिंक इधर लगवा लिया वो दोबारा भी तो लगवाएगा, लगवाएगा कि नहीं लगवाएगा। आप ये क्लैरिटी अपने माइंड सेट को क्लियर करो कि देखो, उसने अभी एक वेबसाइट पर अपना लिंक लगवा लिया, हमने उसको अप्रोच कर लिया, वो दोबारा भी लगवाएगा, आखिर किसी ने तो उसका लिंक लगवाया। बस एक चीज़ इसमें ध्यान में रखना, देखो वो क्लाइंट किसी न किसी के साथ तो काम कर रहा है, किसी न किसी ने तो उसका जो लिंक है वो इधर लगवाया है, ठीक है। अब उसने भी, वो भी हमारे जैसा कोई होगा जिसने उसका लिंक लगवाया, हम उसको भी कोई नुकसान थोड़ी पहुँचाना चाहेंगे। हम क्या करेंगे, हम अपने जो टेम्पलेट है उसमें लिखेंगे कि देखिए, आप पहले किसी न किसी से तो सर्विस ले रहे हैं, आप उससे सर्विस लो, लेकिन आप एक बार हमसे भी सर्विस लो। देखिए, कभी कभी ऐसा मौका होता है, मैं बताता हूँ कभी कभी क्या होता है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक बंदा है वो क्लाइंट का काम सही करके नहीं दे रहा उसको, ठीक है, क्लाइंट उसे जान छुड़वाना चाह रहा है, वो कह रहा है कि नया बंदा मुझे चाहिए। अब देखो, फौरन अगर टक से आपका मैसेज उसके पास पहुंच जाए और वो आपसे एक बार सर्विस ले ले और आप उसको अच्छी सर्विस दे दे, तो वो आपसे काम करवाएगा कि नहीं करवाएगा? वो लाजमी काम करवाएगा। तो ये हमारा पहला मेथड। तो चलते हैं स्क्रीन की जानिब और मैं आपको लिस्ट बना के दिखाता हूँ कि कौन से ये हमारे क्लाइंट्स हैं और हमने इसकी लिस्ट कैसे बना ली और इनको कौन सा टेम्पलेट सेंड करना है। तो चलते हैं स्क्रीन की जानिब और शुरू करते हैं वीडियो को आज की। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो हमारा गूगल का मेथड होगा वो होगा आर्टिकल्स में से हमने कैसे क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपनी लिस्ट की जानिब। हमने जब कोर्स में हमने देखा कि हमने कैसे लिस्ट तैयार की थी, तो हम ये जो गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स हैं इसमें से एक वेबसाइट को ओपन करते हैं जिसपे आर्टिकल्स लगे होंगे, ठीक है। तो हमने एक ऐसी वेबसाइट ओपन कर लिया जिसपे आर्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ना इनको वन बाय वन ओपन करना है आर्टिकल्स को। ये जो जितने भी मैंने बताया था, जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो जाहिर सी बात किसी ने पोस्ट करवाए हैं, तो हमने इनमें से क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं। स्टार्टिंग में हम इन पे जाएंगे, ठीक है। हमने एक आर्टिकल है उसको ओपन कर लिया, ये आर्टिकल है इसको हमने ओपन कर लिया, ठीक है। इसमें अब मैंने बताया था कि इसमें लिंक लगा होगा, ठीक है, तो ये क्लिक हेयर यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लिक हेयर, तो ये लिंक है, इसमें हम क्लिक करेंगे। अगर तो हम नई वेबसाइट पर लैंड कर जाएंगे, एक तो वो डू फॉलो लिंक होगा, सेकंड वो हमारा क्लाइंट भी हो सकता है। अब देखें, ये एक नई वेबसाइट ओपन हो गई है, ये वेबसाइट aclassblog.com है, और जिस वेबसाइट पर हमने लैंड किया ये एक और नई वेबसाइट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लिस्ट में जाएंगे, एक नई लिस्ट तैयार करेंगे। उस लिस्ट में अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लिखना है
आर्टिकल्स क्लाइंट उसमें लिखेंगे, आर्टिकल क्लाइंट्स, ठीक है, ये लिखेंगे। और फिर हम उसके आगे उनका जो कॉन्टैक्ट होगा, मीन के कॉन्टैक्ट लिख लेते हैं, कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये चीज़ हम लिखेंगे इसमें। और फिर हम इसको थोड़ा सा, जैसे कि मैं बताया, यहाँ से जाके कैपिटल कर लेना करना है, इसको भी इधर से जाके कैपिटल कर लेते हैं, और साथ में इनको कर लेते हैं बोल्ड, ठीक है। ये हमने एक ऐसे कर लिया, एक इंटरफेस तैयार कर लिया जिसमें हमने कॉन्टैक्ट भी ऐड करेंगे और उसका ईमेल एड्रेस भी ऐड करेंगे, ठीक है। अब हमने करना क्या, हमने जो नई वेबसाइट ओपन हुई है इसका .com तक, ये ऊपर से .com तक हमने इसका URL कॉपी करना है, ठीक है, और लिस्ट में जाना है, यहाँ पे जाके कर देना सिंपली पेस्ट, ठीक। अब नेक्स्ट आएंगे, अब हम इसका जो कॉन्टैक्ट है ईमेल एड्रेस से, जाहिर सी बात पहले हम ईमेल की तरफ जाएंगे, ये इन्होंने नीचे ईमेल लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी ईमेल एड्रेस करेंगे और लिस्ट में जाके हम सिंपली इसको कर देंगे उसके सामने पेस्ट, ठीक है। ये एक वेबसाइट होगी, अब इसको करेंगे क्लोज। हमने ये वाला आर्टिकल ओपन किया हुआ था, इसको हम करते हैं बैक। अब एक नए आर्टिकल की तरफ, एक नए आर्टिकल की तरफ जाएंगे, इसको हम न्यू टैब में ओपन करेंगे। ऐसे जितने भी ये देखे ना, अगर आप देखा जाए तो ऊपर ये सारे ऊपर लिखा हुआ है हेल्थ फैशन, मीन के इसमें हर कैटेगरी के आर्टिकल मौजूद है। पहले हम हेल्थ पे जाएंगे, उधर से सारे आर्टिकल्स वैसे क्लाइंट साइड निकालेंगे, फिर एक वेबसाइट से आपको मेरे ख्याल से हजारों क्लाइंट्स मिल जाएंगे। अब डिपेंड करता है आप उनको मेल क्या सेंड कर रहे हो, हम वो भी करना सीखेंगे। अब हम इस आर्टिकल में चलेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिंक लगा हुआ है, हमने लिंक पे सिंपली क्लिक किया और देखते हैं एक नई वेबसाइट, ये देखिए एक नई वेबसाइट लैंड होगी। अब ये क्लाइंट वेबसाइट कैसे, क्योंकि इसने अपना आर्टिकल उधर लगाया, इसको दोबारा भी जरूरत पड़ेगी। हमने इसका ईमेल एड्रेस यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे जाके कर दिया इसको पेस्ट। और फिर हम दोबारा इस पे गए और जहाँ पे फिर हमने जाके इसका कॉन्टैक्ट ढूंढना था, हम नीचे गए, इसका ईमेल एड्रेस इधर से किया कॉपी ईमेल एड्रेस, और लिस्ट में गए जाके इसको कर दिया पेस्ट हमने, ठीक है। और ऐसे ही हम फिर नेक्स्ट जाएंगे, इसको करेंगे क्लोज और इसके आर्टिकल को भी करेंगे क्लोज हम। और फिर हम जाएंगे एक नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, इस आर्टिकल की तरफ जाते हैं, इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं। ये हमने कर लिया न्यू टैब में ओपन ये आर्टिकल। अब इसके हमने लिंक में जाएंगे, ये लिंक लगा हुआ है, लिंक पे जाएंगे तो एक नया अगर एक नई वेबसाइट, ये देखिए एक और नई वेबसाइट ओपन होगी। एक तो ये सारे डूफोलो लिंक, इसमें आपका डूफोलो भी क्लियर हो गया, और सेकंड आपका जो हमारा गूगल का क्लाइंट्स का फर्स्ट मेथड है वो भी साथ हमारा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम इनको कॉपी करके इधर जाके करेंगे पेस्ट और फिर हम दोबारा इस पे आएंगे। और अब हम के जो ईमेल एड्रेसेस है, ये देखिए इधर नीचे ईमेल एड्रेस है, इसको करेंगे कॉपी ईमेल एड्रेस। अच्छा, इनके भी यूआरएल क्यों हम कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इनको मेल करेंगे तो जाहिर सी बात है एक क्लाइंट है, उसकी पता नहीं कितनी वेबसाइट्स होंगी, जैसे जिसकी गैस पोस्टिंग वेबसाइट किसी की बहुत ज्यादा होती है, क्या पता किसी की क्लाइंट वेबसाइट्स भी ज्यादा हो, तो हम कोशिश करेंगे कि उनके जो ईमेल एड्रेस है फर्स्ट वो कॉपी करें, अगर नहीं मिलते देन हम जाएंगे उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स की तरफ। तो इसको भी हम क्लोज करते हैं ऐसे ही। फिर हम और सेंड देखते हैं इधर यहाँ पर, और इधर आएंगे एक नया आर्टिकल ओपन करेंगे, ठीक है, और इस तरह एक नया आर्टिकल ओपन हो गया, ठीक है, एक ये नया आर्टिकल ओपन हो गया। अब इसमें ये लिंक लगा हुआ है, हम लिंक पे सिंपली क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक और नई वेबसाइट ओपन हो गई है। हम इसका जो यूआरएल है वो करेंगे कॉपी और लिस्ट में जाएंगे, जाके करेंगे इसको पेस्ट, और फिर हम वापस आएंगे और फिर हम इसका जो ईमेल एड्रेस है वो करेंगे इधर से कॉपी। इधर देखते हैं नीचे ईमेल एड्रेस कहीं लिखा हुआ है, हम नहीं लिखा हुआ तो हम इधर सिंपली और सर्च करके देखते हैं, शायद लिखा हो कहीं ना कहीं पर। तो फोन नंबर के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, इनका इधर से फोन नंबर कॉपी करते हैं, शायद इन्होंने इधर ईमेल एड्रेस भी दिया हो, नहीं दिया तो ये इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स में चले जाएंगे। हम चलेंगे हैं फेसबुक की जानब, वहां पर जाके देखते हैं, ये इनका फेसबुक आ गया, और यहाँ पर भी इन्होंने नहीं दिया तो हम इनका करेंगे इधर से नंबर कॉपी, इधर से करेंगे कॉपी और लिस्ट में जाके कर देंगे पेस्ट, इनको भी हम मैसेज कर देंगे, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने एक लिस्ट तैयार करनी है, आपने पहले एक वेबसाइट से कंप्लीट आर्टिकल्स में से क्लाइंट्स निकाल लेने हैं, जैसे कि मैंने बताया
और फिर उसके बाद हम जाएंगे दूसरी वेबसाइट्स की तरफ। इस तरह ये ऐसा काम है जो कि ना खत्म होने वाला। आपको पता है कि गैस पोस्टिंग वेबसाइट कितनी ज्यादा है और एक वेबसाइट में कितने ज्यादा आर्टिकल्स मौजूद होते हैं, तो हमने हर वेबसाइट में से हर आर्टिकल को अप्रोच करना है। ये हमारा गूगल का पहला मेथड था। अभी हम इनशाला और भी मेथड डिस्कस करेंगे। अब आपने करना क्या, आपने सिंपली जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया, इनके ऊपर कर्सर लेके जाना है सिर्फ, और इनका ईमेल वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हमने ईमेल के ऊपर जाना है। यहाँ पर जाके अब हमने इनको करना है क्या, अब हमने इनको मेल करना है, ठीक है? और ऐसा मेल करना है कि जो कि ये उसको एक्सेप्ट करे। सबसे पहले जो सब्जेक्ट लाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? सब्जेक्ट लाइन में हम इनको लिखेंगे पेड, पेड गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्ट प्रपोजल। हम तो इनको प्रपोजल सेंड कर रहे हैं ना कि पेड वाला आप हमसे पेड गेस्ट पोस्ट ले, ठीक है? अब इसमें हम राइट क्या करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। हम सिंपली यहाँ पर मैंने जैसे पिछली वीडियोस में टेम्पलेट सेव करना बताया था कि टेम्पलेट्स, जो मेरी ईमेल वाली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जाके देखे कि टेम्पलेट्स कैसे सेव करनी है। टेम्पलेट्स पे जाएंगे, मैंने यहाँ पे ऑफर गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज के नाम से एक टेम्पलेट सेव की हुई है। हम सिंपली वो वाली जो टेम्पलेट है उस टेम्पलेट पे जाएंगे, ठीक है? और जाकर देखेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा आई होप यू आर फाइन, आई नोटिस डैट यू ओन अ वेबसाइट, कि आपकी एक वेबसाइट है। आई बेट यू आर ऑलवेज लुकिंग वेज टू इंक्रीज योर ट्रैफिक एंड गेट मोर कस्टमर्स, ठीक है? और फिर मैंने गेस्ट पोस्टिंग का उस छोटा सा टाइटल दे दिया। गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली है क्या? गेस्ट पोस्टिंग इज अ ग्रेट वे टू एस्टेब्लिश अ ट्रस्ट एंड अथॉरिटी विद द सर्च इंजन ओवर टाइम। दिस वे योर वेबसाइट रैंक्स हायर इन गूगल सर्च रिजल्ट एंड हेल्प टू डू मोर बिजनेस। कि गेस्ट पोस्टिंग एक ऐसा वे है जिससे हम ट्रस्ट और अथॉरिटी दोनों डेवलप कर सकते हैं सर्च इंजन में टाइम के साथ साथ। इस तरह हम हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल के सर्च इंजन में रिजल्ट पेजेस में रैंक भी करेगी और हम बिजनेस भी करेंगे। फिर मैंने छोटा सा अपना बायो दे दिया, आई एम अ प्रोफेशनल गेस्ट ब्लॉगर विद ओवर 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आई हैव मैनी हाई अथॉरिटी गेस्ट पोस्टिंग साइट्स हैविंग हाई DA DR एंड ट्रैफिक टू प्लेस योर कॉन्टेंट एंड लिंक इंजर्शन। ऑल्सो आई कैन राइट क्वालिटी कॉन्टेंट फॉर योर वेबसाइट डैट विल हेल्प यू एंड मेक मोर बिजनेस। आई ऑफर अ गेस्ट पोस्टिंग सर्विस टू हेल्प यू अचीव दिस गोल। आई वुड लव टू टॉक टू यू अबाउट हाउ वी कुड हेल्प यू टू इम्प्रूव योर कस्टमर। इसमें मैंने सिंपली यह बताया कि मैं गेस्ट ब्लॉगर हूँ, गेस्ट पोस्टिंग करता हूँ, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे पास हाई अथॉरिटी गेस्ट पोस्टिंग साइट्स हैं, उनके DA भी हाई है, DR भी और ट्रैफिक भी हाई है। और मैं लिंक इंजेक्शन भी करवाता हूँ और गेस्ट पोस्टिंग, और मेरे पास हाई क्वालिटी कंटेंट वेबसाइट भी है जो कि आपके वेबसाइट को इतना रैंक करेगी कि आप बहुत ज़्यादा बिजनेस करेंगे, ठीक है? और मैंने नीचे लिखा कि मैं आपको अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप को इससे बेनिफिट होगा। और नीचे मैंने जैसे कि बताया था कि नीचे मैंने अपना ये दिया हुआ है सिग्नेचर। सिग्नेचर से बड़ा अच्छा एक हो जाता है, अगले बंदे को पता कोई बंदा अच्छा पीछे बैठा हुआ है। तो ये था, हमने इनको ये मेल कर देना है सेंड। तो ऐसे ही हमने ये जो मेल है ये इन वेबसाइट्स को करते जाना है, और इंशाल्लाह थोड़ी सी मेहनत करें, मेहनत लगन के साथ। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस का इंतजार कीजिएगा, आपको अच्छी से अच्छी वीडियो ही मिलेगी। और इंशाल्लाह ये थी हमारी आज की क्लास, मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे जो स्टोर्स हैं, फैशन स्टोर्स हैं, होम स्टोर्स हैं, उनको कैसे हंट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। Thank you.